हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सभी का इजी टेक विद पंकज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए मीशो ऐप से अगर आप शॉपिंग करते हैं, या दोस्तों आपने मीशो ऐप नया नया चलाना स्टार्ट करा है और आपको इसमें पता नहीं चल रहा है कि हमको एड्रेस किस तरीके से यहाँ पर फिल करना होता है। क्योंकि दोस्तों एड्रेस से ही क्या होता है, जो आप प्रोडक्ट आप मंगाते हैं ना, वो आपके घर तक आता है। तो अगर आपको नहीं पता है ना कि एड्रेस किस तरीके से फिल करना है, तो आज की वीडियो को आप पूरा देखिएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि एड्रेस किस तरीके से आपको बिल्कुल सही सही फिल करना है, किस तरीके से डालना है एड्रेस, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट होगा आपके घर तक आसानी से आ जाए और आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एड्रेस डायरेक्टली डालने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। जैसे अकाउंट में आप आएंगे ना, तो एड्रेस का कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसका एक तरीका होता है, होम में आप आ जाइए और कोई प्रोडक्ट यहाँ पर आप परचेस करके देख लीजिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर ये टी शर्ट यहाँ पर परचेस कर रहे हैं, इसकी टी शर्ट हमको यहाँ पसंद आ रही है। तो हम क्या करेंगे ना, आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए आप साइज और बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए आपको एड्रेस डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू एड्रेस डालने के लिए आपको सेलेक्ट डिलीवरी एड्रेस का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपको क्या होगा ना, अगर आपने नया नया यूज़ करना स्टार्ट करा है मीशो, तो यहाँ पर कोई भी एड्रेस आपको दिखाई नहीं देगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एड न्यू एड्रेस पर क्लिक करना पड़ेगा, मतलब अपना यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। तो कैसे करेंगे, एड न्यू एड्रेस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही आपने क्लिक करा है, अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें फिल करनी होती है बिल्कुल सही सही से। अगर आपने वो चीज़ें बिल्कुल सही यहाँ पर फिल कर दी है ना, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा सीधे आपके घर तक आ जाएगा। आप क्या क्या चीज़ें वो देनी होती है, चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ देखिए क्या देना है, सबसे पहले आपको हाउस नंबर और बिल्डिंग नंबर यहाँ पर देना है, मतलब एड्रेस आपको डालना है। तो हाउस नंबर और बिल्डिंग नंबर अपना यहाँ पर आप दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद रोड नेम, एरिया और कॉलोनी, मतलब जो एरिया है आपका उसका नाम दे दीजिए, कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी दे दीजिए, रोड नेम दे दीजिए अगर आपके आसपास कोई रोड है। तो इस तरीके से दो चीज़ तो ये फिल आपको कर लेनी है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ होती है ना, पिन कोड। अब पिन कोड आपको अगर नहीं पता है तो गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, आपके एरिया का पिन कोड वहाँ सर मिल जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर रुड़की सिटी है, तो रुड़की सिटी का हमने पिन कोड यहाँ पर डाला हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है स्टेट, तो स्टेट जैसे कि हमारे यहाँ उत्तराखंड है, तो हमने उत्तराखंड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए ये चीज़ें आपने यहाँ पर फिल कर ली है। सबसे मेन चीज़ अब यहाँ पर आती है, देखिए एड्रेस भी फिल कर लिया है आपने, रोड नेम, एरिया, कॉलोनी सब पिन फिल कर दिए, पिन कोड डाल दिया है, सिटी डाल दी है अपनी, और यहाँ पर स्टेट भी डाल दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई देगी, नियर फेमस प्लेस शॉप स्कूल ETC ऑप्शन। तो यही क्या होता है ना, लैंडमार्क होता है। अब लैंडमार्क का मतलब क्या होता है ना, आपके आसपास मतलब जो यहाँ पर रह रहे हैं उसके आसपास कोई फेमस स्कूल है, जैसे कोई हॉस्पिटल है, कोई मंदिर है, कोई दुकान है, उसका आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, एड्रेस दे दीजिए। अब इसको देने से क्या होता है ना, नियर बाई फेमस प्लेस देने से क्या होगा, जो डिलीवरी बॉय होगा अगर आपके घर का एड्रेस को नहीं मिल रहा है ना, तो उस प्लेस पर चला जाएगा, मतलब उस जगह पर चला जाएगा जहाँ से आपने यहाँ पर डाला हुआ है, जो प्लेस आपने यहाँ पर डाला हुआ है ना, जो जगह आपने यहाँ पर डाली हुई है वहाँ चले, जैसे कोई दुकान आपने डाली हुई है, कोई हॉस्पिटल है, मंदिर, तो उसके पास आ जाएगा, वहाँ से आपको कॉल वो करेगा। अब कॉल करने के बाद वो बोलेगा, सर आपका प्रोडक्ट हमारे पास है, या तो आप यहाँ पर आगे पिकअप कर लीजिए, या हमको अपना सही से एड्रेस बता दीजिए, आपके घर तक हम आपका प्रोडक्ट पहुँचा देते हैं। अब उसके बाद देखिए, ये चीज़ें भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये वाली चीज़ आपको ज़रूर से भरनी है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना यहाँ पर आपको नाम दे देना है, अपना नाम दे देना है, कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, कॉन्टैक्ट नंबर वो देना है, मोबाइल नंबर आपको वो यहाँ पर डालना है जो हमेशा ही चलता रहे, मतलब ऑन रहे, आपके पास हमेशा ही रहे। क्योंकि होता क्या है ना, कॉल जरूर करते हैं, जब प्रोडक्ट आपके पास आने वाला होता है तो कॉल जरूर वो करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल लेना है। तो ये चीज़ें देखिए, जो जो मैंने आपको बताई है ना, सारी चीज़ें आपको यहाँ अच्छे से फिल कर लेनी है। सबसे पहले देखिए अपना हाउस नंबर, यहाँ पर रोड नेम जो भी आपको देना है, पिन कोड जरूर से आप दे दीजिएगा, सिटी, स्टेट, और ये देखिए जो मैंने आपको बताया, नियर फेमस प्लेस शॉप एंड स्कूल, ये आपको जरूर से यहाँ पे देना है। इसी से आपका प्रोडक्ट जो होता है आसानी से आपके पास तक पहुँच जाता है। उसके बाद नाम और कॉन्टैक्ट नंबर, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी होती है, और सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होता है। इससे क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट होगा डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। अब जैसे कि जैसे ही आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे ना एड्रेस, उसके बाद डिलीवरी टू दिस एड्रेस पर आपको क्लिक करना होगा, आपका प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए आ जाएगा। अब कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको किसी पेमेंट के बहुत से ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, UPI वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, कैश ऑन डिलीवरी है, बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप अपने देखिए इच्छा के अनुसार जो जैसे आप चाहते हैं यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं।
जैसे आपको सूटेबल लग रहा है वैसे आप पेमेंट करिए, ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन करिए, कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं कैश ऑन डिलीवरी कर दीजिए। अगर आप नए नए दोस्तों मीशो ऐप यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा ही आप कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पर चूज़ करिए, क्योंकि होता क्या है प्रोडक्ट आपके पास जब आता है ना तो आप आसानी से उनको पैसे दे सकते हैं और आपको कोई डर भी नहीं रहता है कि प्रोडक्ट हमारे पास आएगा भी कि नहीं आएगा। अगर ऑनलाइन आप पहले कर देते तो आपका डर बना रहता है कि प्रोडक्ट हमारे पास आएगा भी कि नहीं आएगा, तो आप कैश ऑन डिलीवरी करिए, आसानी से आप प्लेस ऑर्डर करिए, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और जो प्रोडक्ट होगा ना वो आसानी से आपके पास तक आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या होता है मीशो ऐप में न्यू एड्रेस यहाँ पर डालना होता है। और अगर आप नए नए यूज़ कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया है क्या क्या चीज़ें आपको मेन जो चीज़ें होती है ना एड्रेस में वो क्या क्या आपको फिल करनी होती है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलते हैं यूट्यूब रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड नई नई वीडियो हर रोज। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्दी, इजी टेक विद पंकज में।